ओके, वेलकम टू मैथ साइंसेस। ठीक है, तो हम आज से अपनी पैथोलॉजी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्लड पैथोलॉजी पढ़ेंगे इसमें हम। ब्लड की पैथोलॉजी पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स से हम अवेयर होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी ब्लड डिसऑर्डर हो, ठीक है, कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ जाए, तो सबसे पहला जो टेस्ट कंडक्ट करना होता है एक फिजिशियन को, दैट इज़ सीपी, कंप्लीट पिक्चर, और वी कैन ऑल्सो से दैट सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है ब्लड में, कौन से सेल लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, एनीथिंग, तो उससे हम अपने डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। उस सीबीसी में, कंप्लीट पिक्चर में, ठीक है, हमारे पास रेड सेल के इंडाइसेस भी हैं, बिकॉज कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या क्या आता है, रेड ब्लड सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल की जब हम बात करते हैं, तो रेड ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल इंडाइसेस आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रेड सेल इंडाइसिस पर। ओके, सेल, हमारे पास सिक्स मेन टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। हेमाटोक्रिट, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, रेड सेल काउंट एंड रेड सेल विड्थ। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे और इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, हमें क्यों पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्या ये हमें कहाँ हेल्प करती हैं डायग्नोसिस में। ओके, तो सबसे पहले हिमाटोक्रेट। व्हाट इज़ हिमाटोक्रेट? हिमाटोक्रेट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये हमने 1 ml ऑफ ब्लड हम ड्रॉ करते हैं किसी भी पेशेंट का। ठीक है, उसे सेंट्रीफ्यूग करते हैं, तो प्लाज्मा और जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, उसमें जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह रहे हैं, जिसमें WBCs होते हैं और RBCs होते हैं। WBCs और प्लेटलेट्स वो हमारे पास अलग हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, उस ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में। और जो रेड सेल्स होते हैं, दैट इज़ एरिथ्रोसाइट्स, वो हमें बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब मिलते हैं। ठीक है ना, जब उस एरिथ्रोसाइट को, जिसे हम हेमेटोक्रेट कह रहे हैं, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में उसका रेशियो कितना है, तो जब मालूम किया गया, दैट इज़ 45% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और 45 ml इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है ना, और 0.45% भी कहते हैं, अगर हम 1 ml ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं, तो 0.45 ml या 0.45% हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हिमाटोक्रिट इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, अब ये जो एरिथ्रोसाइट्स है, अच्छा, इनको हिमाटोक्रिट को हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है, RBC मास भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, सब तमाम के नाम सिर्फ RBCs हैं। अच्छा, तो RBCs हमारे पास, ऑब्वियसली हमें पता है कि RBC का कोई साइज़ होता है, ठीक है ना, 7 to 8 माइक्रोमीटर हमें पता है। ठीक है, तो जितना भी पैक्ड सेल वॉल्यूम है इस हेमाटोक्रिट के अंदर, तो उस वो इंडिविजुअल RBC पर से मिल के बना है ना। तो इसमें बहुत सारे RBCs हैं, जिसे हम 45% कह रहे हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम में तमाम के तमाम RBCs पैक्ड हैं। ठीक है, तो RBCs का जो साइज़ है, दैट इज़ 7 to 8 माइक्रोमीटर। अब अगर साइज़ बढ़ जाता है इसी वॉल्यूम पे, इसी लेवल पे, अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट देखते हैं, हेमाटोक्रेट देखते हैं, हेमाटोक्रेट अगर हमारे पास 45% ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर RBC साइज़ आर इंक्रीज्ड इन सर्टेन अनीमियाज, लाइक इन मैग्नेब्लास्टिक एनीमिया, RBC साइज इज़ इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, तो जो हमारा हेमाटोक्रेट होगा वो तो 45% है, लेकिन RBC साइज़ हमारा इंक्रीज्ड है। ठीक है, तो उससे हम, उसमें हमारा जो रेड सेल काउंट होगा वो हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ रेड सेल काउंट, ताकि हम हिमाटोक्रिट के साथ उसको भी इंटरफेयर कर सकें फॉर दी कॉज ऑफ एनीमिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है MCV, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम।
हाउ वी डिफाइन इट, मेजर ऑफ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ अ रेड ब्लड कॉर्पस्कल. ठीक है, रेड ब्लड सेल का जो एवरेज वॉल्यूम होता है एक सिंगल सेल का, उसको हम कहते हैं एमसीजी. इसको फाइंड कैसे करेंगे? हेमाटोक्रिट डिवाइडेड बाय रेड सेल काउंट. ठीक है, हेमाटोक्रिट हमारे पास 45%, रेड सेल काउंट हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एमसीवी आ जाएगा. एमसीवी रेंज फ्रॉम 80 to 100 इसकी रेंज होती है, लेकिन ऑन एवरेज हम इसको लेते हैं 90 femtoliter. ठीक है, 80 to 100 इसकी रेंज होती है. ओके, देन कम रेड सेल काउंट. रेड सेल काउंट जो है नंबर ऑफ़ आर बी सीज पर एम एल ऑफ ब्लड. 1 ml हमने लिया, उसमें नंबर्स कितने हैं आर बी सीज के. ठीक है, पहले हमने मास देखा, दैट इज़ कॉल हेमाटोक्रिट. फिर हमने कहा कि उसका एक आर बी सी का साइज़ क्या है, दैट वॉज एम सी वी. वो साइज़ क्यों ज़रूरी है हमें पता करना, वी नो दैट. ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि साइज समटाइम इन अनिमिया साइज इज इंक्रीज एंड समटाइम साइज इज डिक्रीज. लाइक इन आयरन डिफिशियंसी अनिमिया माइक्रोसाइट्स हो जाते हैं. ठीक है, साइज इनकी डिक्रीज हो जाती है. और इन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इन सर्टेन अदर एनीमिया साइज इज इंक्रीज. ठीक है, तो उसमें हमारे पास साइज इंक्रीज हो जाता है, तो एमसीवी हमें वो बताता है. रेड सेल काउंट, रेड सेल काउंट नंबर ऑफ आरबीसीज पर एमएल ऑफ ब्लड. ऑन एवरेज इट इज़ 3 to 6. ठीक है, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है. ऑन एवरेज इट इज़ 5x6 पर माइक्रोलीटर, और वी कैन ऑल्सो से 5 million पर माइक्रोलीटर. ओके, एम सी एच क्या होता है कि एक आर बी सी में मास कितना है हीमोग्लोबिन का. ठीक है ना, मास कितना है, एवरेज मास कितना है एक आर बी सी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एम सी एच. उसको फाइंड कैसे करेंगे? टोटल हीमोग्लोबिन जो भी होगा हमारे ब्लड का, उसको हम डिवाइड करेंगे पर आरबीसी पे, या पे आरबीसी काउंट से, सॉरी, टोटल हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल काउंट. तो हमें कि एक आरबीसी में हमारा कितना मास होगा हीमोग्लोबिन का, वो हमें पता चल जाएगा. ऑन दैट इज़ 30 picogram ऑन एवरेज. ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब कुछ हमारे पास जो डिफिशेंट इनएफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस होती है, जिसमें एचपी नहीं बन रहा. ठीक है ना, तो उसमें मास जो है वो हमारा कम हो जाता है, तो ये वहाँ पे हमें हेल्प करता है कि हम किस तरफ डायग्नोसिस की तरफ जाएं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज़ एमसीएचसी. व्हाट इज़ एमसीएचसी? अच्छा, इट्स अ मेजर ऑफ द एवरेज कंसंट्रेशन. एम सी एच वॉज द मास ऑफ द हीमोग्लोबिन. ठीक है, और ये हमारे पास है कंसंट्रेशन. उसमें हमने क्या किया कि हमने टोटल हीमोग्लोबिन को टोटल रेड सेल काउंट से डिवाइड किया, तो हमें मास ऑफ अ सिंगल आर बी सीज हीमोग्लोबिन पता चल गया. इसमें हम क्या करते हैं, टोटल हीमोग्लोबिन को टोटल वॉल्यूम से हम उसको टोटल वॉल्यूम यानी जितना भी हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम है, ठीक है ना, उससे हम डिवाइड करते हैं, तो एम सी एच सी मिल जाता है. एम सी एच सी लाइक टोटल हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल इज 15 ऑन एवरेज. ठीक है, टोटल वॉल्यूम और पी सी वी और हीमेटोक्रिट इज 0.45. ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो ऑन एवरेज एम सी एच सी आ जाता है, दैट इज 33% आ जाता है. अच्छा, एम सी एच सी इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. तो एम सी एच सी हमारे पास वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है जहाँ पे हमारी हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन हमारे पैक सेल वॉल्यूम में कम हो जाता है, वही हीमोग्लोबिनोपैथीज में. ठीक है ना, और इन सर्टेन या मोस्टली हीमोग्लोबिनोपैथीज में, जो कि मोस्टली माइक्रोसाइटिक एनीमियाज के कैटेगरी में आ जाते हैं. ओके, इसके बाद हमारे पास है रेड सेल विड्थ. अब ये क्या होता है, तो रेड सेल विड्थ इज़ रेड सेल के जो हमारे विड्थ है, उसकी जो साइज़ है, उसकी जो वॉल्यूम है, वो कितनी है. ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स हमारे उनका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है. रेड ब्लड सेल्स आर स्टैंडर्ड साइज ऑफ अबाउट 6 to 8 micrometer इन डायमीटर.
रेड ब्लड सेल, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ इज अ मेजर ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल वॉल्यूम, यानी हमारी जो इसकी विथ है ब्लड में रेड सेल, रेड ब्लड सेल की, वो उसकी रेंज कितनी वेरी कर रही है। मतलब अगर हमारे पास 6 to 8 माइक्रोन के सारे सेल्स हैं तो रेड सेल विथ इज नॉर्मल। अगर हमारे पास ठीक है कोई अनीमिया है और नॉर्मल आरबीसीज भी हमारे पास हैं और कुछ हमारे पास, क्योंकि हीमोलाइटिक अनीमिया में फॉर एग्जांपल, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो ए जो बोन मैरो होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, ठीक है, तो हमारे पास पॉलीक्रोमैटिक सेल्स भी आ जाते हैं, नॉर्मोब्लास्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सब जब मिल जाते हैं तो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ऑब्वियसली वो अभी तक मेच्योर नहीं हुए होते तो वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, रिथ्रोसाइट्स जाते हैं, रेटिकुलोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के जब हम पेरिफेरल फिल्म में देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें, उसको हम कहते हैं इन टर्म्स एनाइसोसाइटोसिस। जब एनाइसोसाइटोसिस आ जाता है तो वी से दैट रेड सेल विड्थ इज इंक्रीज, यानी रेड सेल्स की जो साइजेज हैं वो हमारे पास उनकी वेरिएशन इंक्रीज हो गई है, डिफरेंट साइजेस के रेड सेल इन पेरिफेरल ब्लड फिल्म हमें मिल रहे हैं, ठीक है, दैट इज रेड सेल विड्थ। थैंक यू।